गुड आफ्टरनून मीडिया पेटर्निटी थैंक यू फॉर कमिंग ये यमगोर योड फेस्टिवल टीम का तरफ से हम लोग का कंक्लूडिंग मैसेज देने के लिए आप लोग को बुलाया तो हमारा साथ है हमारा फेस्टिवल चेयरमैन रक्श सर एडीसी कम्बा और मेरा राइट साइड और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में हमारा इवेंट मैनेजमेंट टीम और किट से जो कि मेजर हकदार जो 80 परसेंट काम उन ने किया और माइसेल डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट तो ये मैसेज में अपना फेस्टिवल चेयरमैन को आई लाइक टू विद द मीडिया थैंक यू तो गुड आफ्टरनून एम पी एल लाइव आरसीसीएन सी एन देश न्यूज़ टुडे मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा आपका माध्यम से मैं लोगों को यही बताना है कि मैसेज जो है हमारे इस वर्ष के सातवा एडिशन यंगो रिवर फेस्टिवल का कल ही सौलह तारीख को सोलह अप्रैल को समाप्त हुआ मैं यह लोगों को बताना था तो ये फेस्टिवल जो है कई बरसों से चला आया पहली बार हमारा ये वेस्ट का कम्बा में इसको हम सभी ने आयोजित किया तो इसका सिलसिले में थोड़ा सा फेस्टिवल के बारे में हम लेकर जो का बताने के लिए लोगों को बताने के लिए लोगों को धन्यवाद देने के लिए ये मीडिया ब्रीफिंग हो रहा है तो फेस्टिवल जो है हम सभी ने सब मिलकर बहुत मेहनत की है कोशिश की है किस तरह हम लोगों के सामने और दुनिया के सामने में इसको अपना एरिया को हमारे यहाँ जो जितना अरेंजमेंट है इसके ज़रिए इसको किस तरीक़ा से टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं प्रमोट करने के लिए बहुत कोशिश किया है तो ये इसमें ये फेस्टिवल में जो है बहुत लोगों का मतलब इन्वॉलमेंट है यहाँ के द इवेंट मैनेजमेंट टीम द ऑर्किड्स लेड बाय लीग कम करगा ये करबाग सॉरी लीग करबाग और इनके मैनेजमेंट टीम यहाँ पे डोनी और है देन सिस्टर लियुम लोई है उन सभी ने आपको जैसे कि अभी बताया दीतीय साहब ने तो उन सभी ने बहुत मेहनत की है अस्सी प्रतिशत जो काम उन्होंने किया है यह चीज़ का तो मैं उन सभी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उनका टीम को भी और आपको पता है इसको जो है बिल्कुल यहाँ कम्बा में करने में हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के टूरिज़म ऑफिसर कपक साहब जो है देन उनके असिस्टेंट जुम्बा का तो देन डायरेक्टर टूरिज़म सेक्रेटरी टूरिज़म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश उन सभी का मदद से कम्बा में यहाँ पे आप आया इस्पेसली खास इसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा अपना यहाँ के लोकल विधायक जो न्यामर करबाग जी ने वो स्टेट लेवल में उसने बहुत ये किया है इन्फ्लुएंस किया है इसको यहाँ लाने में तो इनको भी मैं लोगों के तरफ से यहाँ के प्रशासन के तरफ के से सेलेब्रेशन कमेटी के तरफ से मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ और धन्यवाद भी देना चाहूँगा तो ये फेस्टिवल को इस रूप तक तो लाने में एक हर कई का एक्सपर्ट का इन्वॉल्वमेंट है जैसे कि मैं बट बत, आपको बता दूंगा एक तो बैम्बू आर्टिस्ट जो है जैसे कंस्ट्रक्शन का मॉडल जो उसका जो फ्रेमवर्क इसको डिजाइन जो है गाइडेंस दिया है आपको मैं बताऊंगा उसका नाम है राहुल गौतम सिंह वो जो बैम्बू आर्टिस्ट है तो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं देन अगेन आपका जितना ये जो है आ, जैसे कि एक टू पब्लिक और विजुअल आर्ट्स जहाँ पेंटिंग उटिंग सुंदरता मतलब डेकोरेट किया है इसको अंशुमन बोल ये एक भाई है वो जो एक्सपर्ट हैं वो जो आसाम है, है। के हैं नॉट लॉक इम्पोर्ट से बिलोंग करते हैं उन्होंने यहाँ आके कैंपिंग करके बैठ के इसको इस रूप तक तो फेस्टिवल के मतलब ये रूप तक तो लाने में उन सभी ने बहुत मदद किया है मैं इस विषय में थोड़ा सा और एड करके ये कहना चाहूँगा मैं अपने यहाँ के युवा पूरी इन सभी को भी ये कहना चाहूँगा देखिए आपने गौतम जी जो है राहुल गौतम जी जो है बम्बू आर्टिस्ट है वो छत्तीसगढ़ से, से बिलोंग करते हैं और जो विजुअल और जो पब्लिक जो आर्ट्स है वो जो अंशुमन जो है असम से बिलोंग करते हैं ये क्या इसमें आके वो अपना नॉलेज को ज्ञान को यहाँ बेच रहा है इम्प्लीमेंट कर रहा है मैं इस तरह से चाहता है कि हमारा अपना युवा लोग भी बाहर जाके इस तरीके से करें अपने कला को दिखाएँ अपना नॉलेज को तो बाहर दिखाएँ तो तो और इसके साथ आपको बहुत सारा चीज़ है इस बार का फेस्टिवल में जैसे कि बेग स्टेज और यह आर्टिस्ट मैनेजमेंट आर्टिस्ट हॉस्पिटलिटी इसमें भी बहुत सारे लोग का हम हम लोग का यूथ जो है अपने लोग का इंवॉल्वमेंट है जैसे कि लाइक आपका लियम लॉई अपना बाई डोनी और देन एक आफातनी एक लेडी है मिची मुन्या देन अगेन देन कैनरिक बागरा देन अगेन लीली लॉय ये सब अपना जो यहाँ के एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ लोग हैं उन अपना मतलब बल बूटे पे ये सब उनको मैनेज करने में वो बिल्कुल सक्षम है मैं चाहता हूँ कि और लोग इस प्रकार से आगे बढ़े अपना युवा पीढ़ी तो और भी इस बार का फेस्टिवल में काश ये था कि हम लोग एडवेंसर स्पोर्ट्स को भी ऐड किया एक फ्यूचर बनाया तो इसमें आपको पता है एडवांसर स्पोर्ट्स में जो लीड किया है उसका जो इसको अच्छी तरीक़े से ये आयोजन करने में हकदार है जैसे कि बाई धोनी और देन एक टू गियर बाई इन सभी के बदल जो एडवांसर स्पोर्ट्स भी इस बार हम कर पाए आपको पता है दस तारीख को यह आपका रेफ्टिंग हुआ था उसमें भी बहुत सारे थीम आए कंपटीशन लगा हुआ है और देन अगेन ग्यारह तारीख को एंगलिंग हुआ धाराक पे देन अगेन फर्गिन अपना वहाँ पाया में हुआ वेस्ट का देन अगेन आपका हिफेदिनम मतलब लोकल बैम्बू रेफ्टिंग जो है कंपटीशन भी यहाँ यहाँ के गाँव वाला लोग के लिए हम लोग ने रखा है फ्यूचर उसमें भी बिल्कुल बढ़ के लोग भागीदारी लिया है देन अगेन एक टू यहाँ अपने लिए यहाँ के लिए बहुत नया एक आइटम था जैसे कि बी बॉय जो आपका फ्री स्टाइल डांसिंग जो है ये भी बाहर से इस्टेट से आया अरुणाचल कैपिटल से आया है लोग अपना यहाँ के लिए एक नया वो जो एक एलिमेंट था यहाँ का फ्यूचर था देखने के लिए तो ये सबको मैनेज करने में हमारा यहाँ का इवेंट मैनेजमेंट टीम जो बिल्कुल जो है और, और किड्स जो है उसका ये जो है उसने बहुत अच्छी तरीक़ा से इसको मैनेज किया है तो बाकी जो है जितना भी हम सभी मिल बहुत कोशिश किया है ये पब्लिक को एक सेटिस्फ़ेक्शन देने के लिए और लोगों को बाहरी लोगों को दिखाने के लिए हमारा अपना यहाँ का जगह और यहाँ के लोग का रीति रिवाज रहन सहन इसको प्रमोट करने के लिए हमने एक जरिया बनाया ये फेस्टिवल को और इस फेस्टिवल में मैं और भी जुड़ना चाहेंगे जैसे कि लाइक देखिए यहाँ पे पानी तो है लेकिन पानी पीने के लिए मैनेज करना भी बहुत मुश्किल था इसमें हम हमारा जो है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो यहाँ का डिपार्टमेंट और इसका स्टाफ ने जो है पानी मुहैया कराने में सप्लाई कराने में बहुत उन्होंने तकलीफ की है ये तीन दिन बिल्कुल तकलीफ किया है देन अगेन आपका ये इसमें एक पावर का एक बहुत पावर सप्लाई का जो है एक बड़ा योगदान है इसमें भी यहाँ का डिपार डिपार्टमेंट ऑफ पावर इनके ऑफिसर्स उनके इस्टाफ दिन रात यहाँ हमारा टीम और सेलिब्रेशन कमेटी के मेंबर्स के साथ जो है देते रहे और वो काम करते रहे और देन एक चीज जो है मैं और भी जिक्र करना चाहूँगा इस्टॉल ऑनर्स यहाँ जितना ये जो वो एक सेलिब्रेशन का पार्ट था इस्टॉल भले ही उसने खुला है लेकिन वो भी एक सेलिब्रेशन का पार्ट था उन सभी ने भी बहुत योगदान दिया है इसको अब लोगों को सेटिस्फेक्शन मतलब जो कान पीन का जो है उसको फैसिलिटीज़ को जो फैसिलिटेट करने में यहाँ तकलीफ़ ना होने के लिए उन सभी ने भी बहुत योगदान किया है और ये आप एरिया लबक रिजॉर्ट एरिया इसको तो आप पता है ये जो है हमारा कम्बो विलेज के लोगों का मतलब ये से नरी नसी और ये आपका नीनो नीनो उन लोग का जो ज़मीन है ये जो है लेकिन एक खास इस बार का यह चीज़ है कि हम लोग को बहुत अच्छा लगा है कि यहाँ के लोग जो है ज़मीन का मालिक जो है बिल्कुल वो कुछ भी क्लेम नहीं किया सिर्फ उनका कहना था वॉलंटियर्स और कुछ कुछ यहाँ का मैनेजमेंट में गांव के कम्बू विलेज के लोगों को यूथ्स को बुज़ुर्ग को एंगेज करो ये इसलिए इतना रिक्वेस्ट किया बाकी ज़मीन का बारे में उसने कुछ नहीं एकदम वॉलंटियरली उन लोग ने ये ज़मीन को मतलब डिपार्टमेंट को अथोराइज किया दे दिया आप लोग चला सकता है यहाँ फेस्टिवल को आप लोग मना सकता है तो इसलिए हम सभी मैनेजमेंट कमेटी के तरफ से डें या डिपार्टमेंट के तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ये यहाँ सब डिविज़न एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से हम कम्बो के जितना लोग यहाँ के ज़मीन के मालिक उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ मैं एडमिनिस्ट्रेशन साइड से और एज ए चेयरमैन सेलिब्रेशन कमेटी से और एक चीज़ जो है यहाँ में सेलिब्रेशन करने में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो कानून व्यवस्था को ये करने के लिए मजबूत करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने जिला के सुपरिटेंडेंट पुलिस अभिमान्यू फौसल आईपीएस इनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा भाई मोगा बोले डीएसपी एस आलो देन यहाँ के ओ सी और यहाँ जितना भी यहाँ पुलिसकर्मी तैनात हुआ तब मैं उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उनका बदौलत हम जो है बहुत अच्छी ढंग से ये फेस्टिवल तीन दिन का फेस्टिवल जो है यह सम्पन्न कर पाया पटा है ये चौदह तारीख में इनोग्रेट हुआ था पंद्रह छोलो छो तीन दिन का हम यहाँ बहुत अच्छी तरीका से कुछ ऐसा बिना ये से हमने सम्पन्न करने में कामयाब हुआ तो इसमें सभी लोगों का भागीदारी है पौन पार्टी है देन बाहर से जितना भी आर्टिस्ट आया अपना नेपाल से भी आया अपना डिस्ट्रिक्ट से भी आया देन दे बाहरी मतलब अपने जो राज्य दूसरा राज्य से भी आया है बहुत आर्टिस्ट आया है तो लोगों को मनोरंजन देने में म्यूजिक को एक ये बना के इस एरिया को म्यूजिक के ज़रिए से इसको अपने कंबा को अपने वे को अपने स्टेट को प्रमोट करने में हम मैं जहाँ तक तो मानता हूँ हम सभी ने कामयाब हुआ और एक बार और जो चीज़ इस में इसमें जोड़ना चाहूँगा क्योंकि ये सिर्फ हम जैसे अभी बोला है ये पुलिस हो जो भी हो मैनेजमेंट टीम हो इसके अलावा भी बहुत लोगों ने ऐसे ये यूथ लोग ने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स विलेज के यूथ लोग ने भागीदारी ली है वॉलंटियर्स के तौर पे जैसे कि कॉलेज का जो है एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम का स्टूडेंट्स है मेंबर्स है वो सी से भी है बासार से भी है लपारादा से भी है अपर सिबं सीरीज से भी है लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट से भी है सियांग डिस्ट्रिक्ट से भी है और देन उसके साथ वॉलंटियर्स आलो से है यमसा से है डारक से है लिरमबा से है कंबा से है सब मिलके ये जो है इसको आज मतलब सक्सेसफुल करने में कल जो रात शाम को जो सक्सेसफुल ये फेस्टिवल को बहुत साथ दिया है तो बाकी मैं चीज़ ये जोड़ना जो 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 बहुत जरूर चाहूँगा कि आपका जितना भी मतलब ये फर्स्ट डे से लेकर सेकेंड डे थर्ड डे डिस्पाइट मैनी ओस जो पब्लिक ताना पब्लिक रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया रहा हम लोग का अप्रोक्स जो है इसमें अटेंडेंस जो रिकॉर्ड जो है पूरा बिल्कुल हम लोग नहीं कर पाया तो इसमें चौदह तारीख शुरुआत दिन में हम अनुमान ऐसे लगाया पंद्रह हज़ार का जो विजिटर्स उसका अनुमान लगाया और पंद्रह तारीख को भी लगभग पंद्रह हज़ार का हमने अनुमान लगाया और सौदों में तो सोलह तारीख में कल आखिरी दिन में तो थाना बहुत ज़्यादा रहा बारिश भी गिरा पर पर भी लोग दते रहे मॉर्निंग आज सवेरे मॉर्निंग दो बजे तक तो जो सम्पन्न होने में हम लोग प्रोग्राम को कामयाब हुआ तो इसमें भी बिल्कुल लोग सर भर के छोटे से बड़े बुजुर्ग सब मिल सब आया है एंजॉय किया सपोर्ट किया है फेस्टिवल ऑर्गेनाइजिंग टीम को या ट्वेंटी थाउजेंड लगभग कल तो आया है हम लोग का अनुमान में यहाँ का मैनेजमेंट टीम पब्लिक विजिटर्स गेस्ट सब मिला के पुलिसकर्मी सब मिला के कल तो ग्राउंड में हमारा बीस हज़ार का मैंने अनुमान लगाया तो मैं ये कहना ये लोगों के चलते अगर लोग ना आता ये फेस्टिवल के ग्राउंड में ना आता ये फेस्टिवल भी नहीं होता तो इसलिए मैं लोगों को भी जितना ऑडियंस है म्यूजिक लवर्स से, लवर से स्पोर्ट्स एडवांसर स्पोर्ट्स लवर है मैं उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी के बदौलत हम जो है फेस्टिवल को बहुत अच्छी ढंग से कर पाया मैं उम्मीद रखता हूँ आने वाला अगर साल में हमको अगर मौका मिलता है हम सब का मौका मिलता फिर एक मैं इम्प्रूव वे में उसको लेना ज़रूर चाहूँगा अभी जो मेरा हम सभी ने देखा है कुछ कुछ बिल में हम भी अपना आपको खमियाँ महसूस ज़रूर किए हैं क्योंकि पहली बार यहाँ हुआ है तो इसको अगर नेक्स्ट टाइम में अगर हम सभी को मौका मिलता है तो हम लोग बिल्कुल उसको करेक्ट करके प्रोफर करक फ्लान वे में हम आगे बढ़ना जरूर चाहेंगे तो इसलिए मैं यही ये यह बोलना चाहूँगा ये जो फेस्टिवल सिर्फ फेस्टिवल लोग जो इस चीज़ को फेस्टिवल के नज़रिए से कान पीन का से और ये इसके नज़रिए से नाचने गाने का नज़रिए से देखता है इसमें कितना सकी इकोनॉमिक जो है एस्पेक्ट इन्वॉल्व करता है वो मतलब लॉन्ग टर्म जो इसका इन्फ्लुएंस है उसको इफेक्ट्स है उसको लोग अंदाज़ा नहीं करते सिर्फ ऑन स्पोर्ट जो है नाचने गाने खाने पीने तौर पे इसको नापना ये फेस्टिवल को सही नहीं होगा वो कंप्लीट नहीं है मीनिंग इसका फेस्टिवल का तो इसलिए इसमें कितना लोगों का इन्वॉल्वमेंट अनएम्प्लॉयड यूथ बहुत सारे यहाँ लोग इन्वाल्व रहा देन स्टॉल ओनर्स स्टॉल सलाह के सबका मतलब थोड़ा आमदनी हुआ ये कितना अच्छा बात है इस दौर में भी अपने यहाँ के लोग ही है वेस्ट के जितना भी है औरत लोग ये लेडीज़ लोग देन सभी छोटा से बड़ा इस्टॉल में भी इन्वॉल्व किया है यहाँ अपोंग का स्टॉल रहा लोकल अपोंग का देन फास्ट फूड का स्टॉल रहा आइसक्रीम्स का पार्लर रहा स्नैक एंड टी का ये रहा और देन हैंडीक्राफ्ट जो अलग अलग विषय में मतलब ये में हम लोग ने इस ये इस्टॉल किया और हम लोग ने ये भी कोशिश किया अपना अनडिवाइडेड वेस्ट सियांग जितना भी डिस्ट्रिक्ट जो है लाइक सी एम शियांग लपारादा लोअर सियांग इनको भी एक एक जो स्टॉल दे के हमने इंक्लूसिव वे में इसको आगे ले जाने की हम कोशिश की है तो इसलिए मेरा ये मानना है इस फेस्टिवल के जरिए से हमारे एरिया को भी प्रमोट करने में हमने कामयाब किया है मेरा विश्वास है मेरा मानना है और देन इसके साथ साथ लोगों का रहन सहन में भी कुछ बदलाव ज़रूर आएगा ये फेस्टिवल के बारे में टूरिज्म पोटेंशियल का टूरिज्म फेस्टिवल के बारे में ये लोगों को मतलब नज़रिया अब से बदलना हमारा इलाक़ा में बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके चलते कितना को मतलब इन्वॉल्वमेंट होना पड़ता है कितना को पैदा होना पड़ता है किसी ने होम स्टे बनाया किसी ने ये कैंप साइट ज़मीन को बेचा है ज़मीन को यूटिलाइज़ किया किसी ने फिर अपना ये कुछ कुछ बम्बू बेचने में कामयाब हुआ ठोकू पट्टा बेचने में कामयाब हुआ रोची बेचने में कामयाब हुआ यहाँ का चलचे फेस्टिवल ग्राउंड का सिर्फ नहीं है बल्कि यहाँ के आसपास जितना भी है इवन पेट्रोल पम्प तक तो चला है तेल खरीद के लोग जो आना जाना पेट्रोल पम्प का बिजनेस भी चला है यहाँ के दुकानदार जितना छोटा छोटा दुकानदार जो है वो भी उसका भी बिजनेस इम्प्रूव हुआ तो इसलिए इसका बहुत सा एक मैग्नीफाइड वे में इसको फेस्टिवल को देखना चाहिए सिर्फ इस नज़र से नहीं बल बल्कि नचने गाने जो नज़र में खान पीन का नज़र में देखना नहीं से इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और उसका इम्पोर्टेंस को हम परख करना बहुत ज़रूरी है तो इसलिए मैं लोगों से ये एक बार फिर कहना चाहूँगा एज ए चेयरमैन ऑफ द यंगो रिवर फेस्टिवल सेलिब्रेशन कमेटी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री मैं फिर एक बार यहाँ के विधायक जो तो यामार कड़बक जी को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ सेलिब्रेशन की कमेटी की ओर से यहाँ के लोगों की तरफ से क्योंकि वो ना होता ये यह फेस्टिवल यहाँ ना आता है तो अभी यहाँ फेस्टिवल हुआ है तो लोगों को समझ में आया है कि इसका इम्पोर्टेंस मायने क्या है तो इस विषय में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा उसके चलते हम सब ने यहाँ फेस्टिवल कर पाया तो इसलिए उनको भी बहुत बहुत भी अपना यहाँ के स्थानीय विधायक को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उसने कंस्टेंट सपोर्ट दिया कंस्टेंट गाइडेंस दिया एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट को मैं एक टूरिज़म डिपार्टमेंट का ये से भी ऑफिसर्स जितना भी हैं अथॉरिटी से भी मैं यही शुक्रगुजार हूँ कि उन उन्होंने कम्बा को सेलेक्ट किया स्पोर्ट के लिए और देन वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर असी ओड़ी उसने भी यहाँ रहा मतलब हर शाम रहा देख के फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया उसने भी सराहना बहुत दिया है मैं उन डिपार्टमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ आप सबकी सपोर्ट से जो है हमारे लोग जो ये कम्बा के वेस्ट के लोग जो हैं यहाँ जो है फेस्टिवल सेलिब्रेशन होने में हमने कामयाबी हासिल की है और यहाँ आपको बताना है मेरा द्वितीय जो पपक साहब जो है उनका पोस्ट ये पोस्टिंग प्लेस में है लेकिन उसने जब से यहाँ शुरू किया है एक महीना से ज़्यादा यहाँ सबसे शुरू किया है बार बार हर दिन यहाँ आया है और जब आखिरी वक्त में उन्होंने यहाँ कैंप करके अपना स्टाफ को ले आकर के, यहाँ कैंप ऑफिस बना के यहाँ में बैठा है असली में बोलने से मैं चेयरमैन है मैं गाइडेंस के तौर पे सजेशन के सुपरविजन वर्क मैंने किया है लेकिन जितना भी काम किया है उन्होंने ग्राउंड पे रह के इवेंट मैनेजमेंट का टीम का साथ रह के काम उन्होंने भागदौड़ संभाला है मैं उन सभी इनको भी बहुत अच्छा लगता हूँ और तारीफ भी करता हूँ और यहाँ के कम्बा के लोगों की तरफ से भी उनको भी मैं तारीफ़ करता हूँ इस तरह से आगे काम करते रहें और अपना टूरिज्म को जो है प्रमोट करते रहे और अपना एरिया को प्रमोट करते रहे अपने लोगों के लिए तो मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा और तमाम जितना भी यहाँ लोग इन्वॉल्व हुआ मीडिया कर्मी हो जो भी हो आपने मतलब आपके चलते जो यहाँ के फेस्टिवल जो बाहरी दुनिया को देख पाया नहीं तो हम सिर्फ़ आप ना होते हैं, तो हम यहाँ सिर्फ फेस्टिवल करके मालूम ही नहीं होता दुनिया को हम सिर्फ मालूम होते हैं, यहाँ जुड़ रहते हैं लेकिन बाहरी दुनिया को मालूम नहीं होता आप ना होता तो हम बिल्कुल ये भी अपना ये को प्रमोट करने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता आपके ज़रिए से मैं आशा रखता हूँ अच्छे चीज़ को आपके माध्यम से इस तरीका से अपने एरिया को अपने लोगों के ये को आप भी साथ दें प्रमोट करते रहें मैं आप सभी को भी धन्यवाद देता हूँ मीडियाकर्मी कर्मी को भी तो इसके बाद मैं ज़्यादा कुछ करने के लिए तो नहीं है इस बार का है जो है आपका सेलेब्रेशन जो है यंगो रिवर फेस्टिवल टू ट्वेंटी ट्वेंटी जो है सिक्सटीन का संपन्न हुआ ये से सौदों से शुरू करके खम्बा में मैं सभी जितना भी पब्लिक हो जितना भी यहाँ के लोग हो और वेस्ट के लोग हो जो भी जितना भी बैशी आया है गेस्ट आया है जैसे कि लाइक सियांग का डी आया है लफर का डी आया है लोअर सियांग का डी सी आया है अंत में तिराब का डी भी आया है तो इन सभी को भी हम सभी को आके सपोर्ट देने के लिए मैं उन सभी को भी शुक्रिया अदा करता हूँ अगर ये लोग विजिटर्स ये पब्लिक ऑडियंस ना होता हमारा फेस्टिवल इस तरह से कामयाब नहीं होता आगे भी मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह से हम सभी को प्यार देते रहें और सपोर्ट करते रहें तभी हम एक साथ मिलकर आगे जा सकता है और मैं एक बार फिर यमगो रिवर का छोटा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा यमगो रिवर से सी यमी से बह के अपना वहाँ सियांग में संगम सियांग के साथ में मिलता है इसके आसपास के जो जितना गांव है ये नदी के चलते हम जीवित हैं ये नदी ना होता हम भी ना होते तो इसलिए मैं मानना है यंगर रिवर जो है हम सभी के लिए कितना ये मेहनत यह कीमती चीज है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और यहाँ से मैं कम्बा के वासियों की तरफ से यहाँ के प्रशासन के तरफ से इवेंट मैनेजमेंट जितना फेस्टिवल के तरफ से यहाँ के कार्यकर्ता के तरफ से, से निचले इलाकों में जुड़ रहता है मैं इन सभी कभी यंगो नदी के तरफ ये बैठे इस इसके माध्यम से मैं अपने यहाँ के लोगों का यहाँ के इवेंट मैनेजमेंट टीम का यहाँ के डिपार्टमेंट के तरफ से मैं इन सभी को भी निचला इलाक़े में जुड़ रहता है इनको प्यार मोहब्बत ये नदी के जरिए मैं देना चाहूँगा मैं आशा रखता हूँ निचले इलाक़े में जुड़ रहते हैं, उन सभी को समझ में भी आएगा आज मेरा बात को छोटा सा ये को कंक्लूडिंग जो रिमार्क को मैसेज को आप सभी ने जो आया है मेरा एम्पियन न्यूज़ लाइव आर सी सी एन स्पेस आल न्यूज़ टूडे आप सभी के माध्यम से मैं अपना जो मैसेज को दे पा रहा हूँ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ मेरा मैसेज को लोगों के सामने सभी के सामने रखने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ थैंक यू वंस थैंक यू सर